आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर टाइफाइड क्या होता है, ये कैसे फैलता है, किन किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है और टाइफाइड के आसान से आसान घरेलू इलाज क्या है। देखो टाइफाइड जो होता है वो एक संक्रामक बीमारी है और जिस जो व्यक्तियों के संपर्क में आने से खान पान में अगर सुधार न किया जाए तो ये समझिए कि टाइफाइड आपको हो जाते हैं। और टाइफाइड का अगर सही तरीके से इलाज नहीं किया गया तो जो व्यक्ति होता है 3 से 4 सप्ताह के अंदर मर जाता है। तो पूरी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे कि आखिर टाइफाइड क्या है, ये कैसे फैलता है, किन किन कारणों से होता है, इसके सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण क्या है, इसके घरेलू इलाज क्या है, इस डॉक्टर्स में कब सलाह ले लेनी चाहिए, इसके इसको पहचानने के तरीके क्या है, मतलब पूरी जानकारी हासिल करेंगे। देखिए यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की है, दोनों मान लीजिए दोनों में से कोई एक अगर टाइफाइड से ग्रसित है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए तो अगला इंसान भी टाइफाइड से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि टाइफाइड एक संक्रामक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अभी कैसे फैलता है पूरी जानकारी हासिल करेंगे। देखिए सबसे पहली बात समझिए कि टाइफाइड को इंग्लिश में टाइफाइड ही कहते हैं। टाइफाइड कब फैलता है, आपके शरीर में टाइफाइड कब होगा, जब आपके शरीर में सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु प्रवेश करेगा। ये जो सल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है ये हमारे आंत को प्रभावित करता है। आंत का मतलब हो गया कि आपका जो छोटी आंत हो गया, जो बड़ी आंत हो गया, जहाँ पर भोजन आपका पचता है और जहाँ पर अपचा भोजन स्टोर रहता है उसी को कहते हैं आंत, ठीक है ना। आंत में दो तरह के आंत चलेंगे, छोटी आंत बड़ी आंत, यानी अगर देखी जाए टाइफाइड तो सल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण से जब हमारे आंतों में जब हमारी छोटी आंत के अंदर सल्मोनेला टाइफी जीवाणु प्रवेश करता है तभी जाकर हमारे अंदर क्या होता है टाइफाइड नामक बीमारी होता है। देखिए टाइफाइड जो होता है इसमें बुखार सबसे ज़्यादा होता है, बुखार इसका मुख्य लक्षण होता है। अगर आपको टाइफाइड हुआ, बुखार कभी कम हो जा रहा है, कभी ज्यादा हो जा रहा है, दवा खाने पर ठीक हो रहा है, फिर आपको बुखार हो जा रहा है, तो 100% चांसेस हो जाते हैं कि आपको टाइफाइड हुआ है। अगर टाइफाइड का सही तरीके से इलाज नहीं किया जाए तो व्यक्ति मर भी जाता है। अपने इंडिया में लगभग प्रत्येक वर्ष 2 लाख से ज्यादा लोग जो होता है ना टाइफाइड से पीड़ित है। देखिए अभी टाइफाइड के बारे में जानते हैं, जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है ये किसको प्रभावित करेगा, तो ये आंत को प्रभावित करेगा। आंत मतलब छोटी आंत बड़ी आंत है, उसके नसों के अंदर नहीं जो आंतों के अंदर जाने वाला जो मार्ग होता है उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करता है, उसके बाद ये रक्त में चला जाता है। यानी सल्मोनेला टाइफी नामक जो जीवाणु होता है सबसे पहले हमारी आंत को प्रभावित करेगा, आंत को प्रभावित करने के बाद ये हमारे रक्त के माध्यम से पूरे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। अब देखिए समस्या ये फैलता कैसे है, जो आपका टाइफाइड जो संक्रामक रोग है, जो टाइफाइड बीमारी है, आखिर ये कैसे फैलता है। तो सबसे पहली बात है कि गंदा जब पानी आदमी पीता है ना तो उस समय आपको टाइफाइड होते हैं। गंदा पानी, देखो गंदा पानी के अंदर ये जीवाणु होता है सल्मोनेला टाइफी, इसलिए आप कोशिश करें कि गंदा पानी का यूज नहीं करें। गंदा पानी का यूज करने से आपको कौन सा टाइफाइड नामक बीमारी हो जाता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि गंदा पानी का सेवन ना करें। गंदा पानी का सेवन करने से आपको कौन सा बीमारी हो जाता है टाइफाइड हो जाते हैं। दूसरा संक्रमित खाद्य सेवन, संक्रमित खाद्य सेवन का मतलब हो गया कि जो खाने वाला सामान अगर वो आपका टाइफाइड या सल्मोनेला नामक टाइफी जीवाणु से अगर संक्रमित है, अगर उस भोजन का हम सेवन करते हैं तो 100% हमारे शरीर में कौन सा बीमारी हो जाएगा टाइफाइड नामक बीमारी हो जाएंगे। इसलिए संक्रमित खाद्य सेवन, यानी इसका ये मतलब होगा कि गंदा भोजन करेंगे, यानी गंदा अगर पानी पीते हैं तो भी आपको टाइफाइड होगा, अगर गंदा भोजन यूज करते हैं तो भी आपको टाइफाइड होने लगते हैं। और तीसरा इसका फैलने का कारण अशुद्ध हाथों से भोजन, अगर मान लीजिए हम अपने हाथों को धोकर खाना नहीं खाते हैं तो 100% आपको टाइफाइड होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए खाना खाने से पहले, भोजन करने से पहले आपको अपने हाथों को साबुन से या शैम्पू से अच्छी तरह धो लेनी चाहिए, ठीक है। तो अशुद्ध अगर हाथ से, हमारा हाथ जो अशुद्ध है और उसके बाद भी यदि हम भोजन यूज करते हैं तो आपको टाइफाइड हो सकते हैं। चौथा है कि साफ सफाई पर ध्यान देना। साफ सफाई पर ध्यान देने का मतलब क्या हो गया कि आप जहाँ शौच करने जाते हैं, जहाँ पर टॉयलेट करने जाते हैं, देखो अधिकांशतः जो टाइफाइड होते हैं वो शौच के माध्यम से, यानी शौचालय यानी लेट्रिन के माध्यम से, और दूसरा आपका हो गया पेशाब के माध्यम से फैलते हैं। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि जो शौच मतलब मान लीजिए ये जो आपका टाइफाइड होता है, टाइफाइड जब होते हैं तो आपको बार बार लेटरिंग भी होता है, बार बार कब्ज भी लगता है, तो उस कंडीशन में अगर शौचालय के जो जीवाणु आपके बॉडी में प्रवेश करते हैं या मान लीजिए जो पेशाब के जीवाणु है, जो सल्मोनेला जीवाणु अगर पेशाब के माध्यम से गया, वो आपके बॉडी के संपर्क में आ गया, तो उस कंडीशन में भी आपको टाइफाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो साफ सफाई पर आपको ज्यादातर ध्यान देना है। और पांचवा फैलने का कारण होता है संक्रमित व्यक्ति के संबंध में, अगर मान लीजिए ये लड़की और ये लड़का, इस लड़की को टाइफाइड हुआ और लड़का इसके संपर्क में आ गया तो इस लड़के को भी टाइफाइड
हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़के को टाइफाइड हुआ और लड़की को टाइफाइड नहीं हुआ है, लेकिन लड़की और लड़के के संपर्क में आ गए तो इस लड़की को भी टाइफाइड हो जाएगा। तो टाइफाइड जो होता है ये कब फैलेगा? संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से। यानी टाइफाइड फैलने के 5 कारण हो गए: गंदा पानी पीना, गंदा भोजन करना, अशुद्ध हाथों से भोजन करना, साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान न देना, और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से टाइफाइड आपका फैलने लगता है। ठीक है, तो ये था आपका फैलने के कारण। अब जैसा समझते हैं इसके लक्षण क्या, कैसे पहचान सकते हैं कि आपको टाइफाइड नामक खतरनाक बीमारी हो चुका है। देखो टाइफाइड का अगर सही तरीके से इलाज किया तो जल्दी ही ठीक हो जाता है, 1 से 2 सप्ताह में आपको ठीक हो जाते हैं। देखिए टाइफाइड का सबसे प्रमुख अगर लक्षण है तो बुखार। अगर बुखार बार बार आपका चढ़ रहा है, उतर जा रहा है, चढ़ जा रहा है, उतर जा रहा है, दवा खाने पर बुखार ठीक हो रही है फिर बुखार आ जा रही है, तो इसका 100% ये चांसेस हो जाता है कि आपको टाइफाइड हो गया। तो डॉक्टर से उसमें आपको सलाह लेनी चाहिए। तो देखो सबसे मुख्य इसका लक्षण अगर टाइफाइड का तो बुखार है, उसके बाद सिर दर्द। जब टाइफाइड हुआ तो आपका सिर भी दर्द करेगा, पेट भी दर्द करेगा, आप अपने आप को खोखलापन महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर जान ही नहीं है। उसके बाद उलझन सा महसूस करेंगे, मतलब आपके अंदर मानसिक तनाव हो जाएगा, अनेक बातों को लेकर आप सोच में पड़े होंगे, तनाव में पड़े रहेंगे कब, जब टाइफाइड हो जाता है। उसको डायरिया या कब्ज, इस कंडीशन में टाइफाइड होता है तो उसमें आपका पेट भी खराब होने लगता है। ठीक है, और अंत में आंखों का पीलापन, कई बार टाइफाइड होने के बाद आंख पीला हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन सारे लक्षणों में मुख्य जो लक्षण होता है, जो मेन लक्षण होता है, वो होता है आपका बुखार। बुखार बार बार आना, चढ़ना, उतरना, ठीक नहीं होना बुखार पूरी तरह से, ये आपका लक्षण क्या है? ये टाइफाइड के लक्षण है। अब देखते हैं इसका घरेलू इलाज क्या है, टाइफाइड के घरेलू इलाज क्या है। देखो टाइफाइड के घरेलू इलाज में सबसे पहला इलाज आता है लिक्विड चीज़ों का सेवन करें। देखिए टाइफाइड में क्या होता है कि हमें कमजोरी महसूस होने लगता है, आदमी पतला होने लगता है, भोजन नहीं करता है, उसे लिक्विड चीज़ों का सेवन करने से फायदा ये होगा। लिक्विड चीज़ का मतलब है जैसे मान लीजिए कि फलों का जूस पीना, आम का जूस पीना, सेब का जूस पीना, अनार का जूस पीना। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में सुबह और शाम कम से कम अगर आप किसी लिक्विड पदार्थों का सेवन करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो डिहाइड्रेशन की कमी महसूस हुई जाती है वो सब धीरे धीरे खत्म होता है, और जो सलमोनेला नामक जो टाइफी जो जीवाणु होते हैं ये खत्म होने लगते हैं। इसलिए कोशिश करें कि लिक्विड चीज़ों का सेवन करें, यानी फलों का जूस पीने का काम करें सुबह शाम, जल्दी ही आपको टाइफाइड से राहत मिल जाएगी। दूसरा तुलसी का चाय, आप चाय बनाकर उसमें तुलसी के पत्ते डालिए और उसका चाय पीजिए। अगर आप लगातार 1 हफ्ते तक यूज कर सकते करते हैं तो आपको 100% बहुत जल्दी आपको राहत मिल जाएंगे टाइफाइड से। उसके बाद लहसुन का सेवन, देखो लहसुन में एक ऐसा गुण पाया जाता है जो सलमोनेला टाइफी नामक जीवाणु को खत्म कर देता है। इसलिए भोजन बनाकर आप उसमें लहसुन का ज़्यादा प्रयोग करें। उसके बाद तेल, आप तेल देखिए, तेल के अंदर लहसुन डालकर उसको गर्म करके अपने पूरे बॉडी में लगाए, इससे क्या होता है सलमोनेला नामक जो टाइफी जीवाणु होते खत्म हो जाते हैं। तो लहसुन का अगर सेवन करते, लहसुन खाते पीते हैं, लगाते भी है, तो आपको बहुत जल्दी टाइफाइड से राहत मिल सकता है। और चौथा आपका घरेलू इलाज है केला खाएं। केला के अंदर भी एक ऐसा गुण होता है जो सलमोनेला नामक टाइफी जीवाणु को नष्ट कर देता है। इसलिए कोशिश आपको यह करना है कि आप केला का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करें, सुबह शाम यूज करें, इससे राहत मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर घरेलू इलाज का भी आप प्रयोग किए उसके बाद भी आपको ठीक नहीं हो रहा तो अंत में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए टाइफाइड का अगर सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है तो व्यक्ति मर भी जाता है। या देखिए इतना एक खतरनाक बीमारी है ये टाइफाइड, क्या होता है आदमी को पतला करते 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 खा जाता है, हड्डियाँ बना देता है, और अंततः आदमी क्या होता है मर जाता है। इसलिए टाइफाइड को नॉर्मल लेके नहीं चलना है, टाइफाइड खतरनाक है अगर सही तरीके से इलाज नहीं किया गया। लेकिन अगर सही तरीके से इलाज कर दिया गया तो 1 से 2 सप्ताह में आपको टाइफाइड से राहत मिल जाती है। डॉक्टर क्या होता है कि साधारण डॉक्टर के पास जाएंगे तो देख के ये बता देगा, पूछेगा बुखार बार बार आ रही है, चढ़ रही है, अगर लगातार 1 हफ्ते तक आपका बुखार नहीं उतर रहा है, उतर चढ़ा तो डॉक्टर बोलता है कि टाइफाइड हो गया। अब टाइफाइड की जांच के लिए डॉक्टर बोलता है खून जांच करवा लीजिए, खून जांच से स्पष्ट आपको पता चल जाता है कि टाइफाइड हुए है कि नहीं। अगर पता चल गया कि टाइफाइड हुए है तो आपको आसानी से डॉक्टर इलाज कर देगा और एक सप्ताह के अंदर में आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बुखार हुआ, आपको लग रहा है कि बुखार हुआ है और आप बुखारे का सिर्फ दवा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो याद देखिए अगर हुआ होगा टाइफाइड या बुखार का सिर्फ दवा खाएंगे तो आपको वहाँ पर समझिए बहुत क्षति पहुँच सकती है और मृत्यु के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा सुधार करना है। जब भी आपको बुखार चढ़ने उतरने लगे और लगातार 3-4-5 दिन ऐसे हो जाए तो आप डॉक्टर से सलाह लेवे करिए, खून जाँच करवा ही लीजिए ताकि आपको पता चले कि टाइफाइड क्लियर में है या नहीं। अगर पता चल जाएगा तो आप आसानी से इलाज कर सकते हैं। अगर आपको अनुभव हो रहा है कि हमको टाइफाइड हुआ है तो आप इस घरेलू चीज़ का
इसका प्रयोग कर सकते हैं, घरेलू जो तरीका बताया था इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर ये घरेलू तरीका यूज कर देंगे तो इससे कोई घाटा भी नहीं है, लेकिन अगर टाइफाइड हुआ होगा तो आपको आसानी से राहत मिल भी जाएंगे इन घरेलू तरीके से। ठीक है, मुझे विश्वास है कि टाइफाइड का जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया, टाइफाइड को जो विस्तार से समझा कि टाइफाइड क्या है, किन कारणों से होता है, किस जीवाणु के कारण से होता है, कैसे फैलता है और टाइफाइड के लक्षण क्या, इसके घरेलू इलाज क्या, डॉक्टर्स में कब सलाह लेनी चाहिए, जो पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया ना, ये आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास जोर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।